नववर्ष प्रारंभ होने पर भक्तों ने माथा टेका साईं दरबार में। आज 1 जनवरी 2021 नववर्ष प्रारंभ हुआ, जिस उपलक्ष्य में आज हजारों की संख्या में भक्त बहेट रोड स्थित सिद्धपीठ साईं धाम पहुंचे तथा सभी भक्तों ने नववर्ष के उपलक्ष्य में साईं धाम में साईं बाबा के सामने माथा टेका। साईं धाम सेवकों ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि आज प्रातःकाल से ही सिद्धपीठ साईं धाम में लगातार भक्त आ रहे हैं और अभी तक हजारों की संख्या में भक्तों ने माथा टेका है तथा साईं बाबा से प्रार्थना की कि कोरोना वायरस बीमारी से हमारा भारतवर्ष जल्द से जल्द मुक्त हो और सहारनपुरवासी स्वस्थ रहें तथा साईं बाबा सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। कोरोना काल को देखते हुए हमने यहाँ सैनिटाइजेशन, मुफ्त मास्क वितरण, हैंड वॉश, भक्तों में उचित दूरी का ध्यान रखते हुए यहाँ पर भक्तों की साईं बाबा की दर्शन कराए जा रहे हैं, जिससे इस बीमारी के संक्रमण को रोका जा सके। ये साईपीठ मंदिर बाबा का हर साल 1 जनवरी को इससे ज़्यादा भी भीड़ रहती है। आज तो लॉकडाउन की वजह से कुछ अलग ही कम लग रहा है। यहाँ लोगों को बड़ी आस्था है साईं मंदिर में कि आज के दिन बाबा भक्तों को, आज बाबा भक्तों किसी न किसी रूम में आते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ पर तो पैर रखने की भी जगह नहीं होती, लॉकडाउन के कुछ थोड़ा असर लग रहा है, वरना तो यहाँ पर पैर भंडारा लोगों का बहुत है, बड़ी आस्था है यहाँ पर मंदिर से, लोगों की बड़ी इच्छाएँ पूरी होती है यहाँ पर। और सुबह से भंडारा चल रहा है यहाँ पर, कम से कम आज का हमारा अंदाजा 50,000 आदमी यहाँ पर भंडारा लेने आएंगे। अच्छा, कोरोना काल को देखते हुए कोई सावधानी नहीं? सावधानी है कि ऐसा है, भीड़ को देखते हुए हमने है कि भंडारा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन भक्त आ रहे, भक्तों को रोक नहीं सकता, ये तो यहाँ पर आस्था है बाबा का। हमने व्यवस्था कर रखी है, मास्क की मांग रखी है दुकान पर लेने के भी, बाहर वो भी रखा है, सैनिटाइजर भी है, व्यवस्था सारी है की, लेकिन लोगों को इतना स्नेह है ना बाबा से, वो रुक नहीं पा रहा कि कोरोना को भी छोड़ते हुए बाबा को आज जाना है, मंदिर आना है, इतनी ठंड में कोहरा है, यहाँ सुबह 8 बजे से लाइन लगी हुई है बाबा के दरबार में।